हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं निशांक और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम जाने वाले हैं सलकनपुर, जो कि भोपाल से 80 किलोमीटर दूर है, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी यात्रा। और अब अपन आ चुके हैं नाश्ता करने, क्योंकि भूख बहुत तेज लगी है, सुबह का टाइम है और ये हमारे एरिया की बहुत फेमस शॉप है। और इसके बाद अब अपन चलते हैं और इस ट्रिप को एंजॉय करते हैं। लगभग आधा रास्ता मैंने कवर कर लिया है और यहाँ से सिर्फ 34 किलोमीटर बचा है सलकनपुर। अब हम अब्दुल्लागंज के बाईपास से होते हुए सलकनपुर निकलेंगे। हाँ तो गाइस, मैं सलकनपुर पहुंचने वाला हूँ और यहाँ से 30 किलोमीटर बचा है सलकनपुर सिर्फ। और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ का व्यू। और जो सलकनपुर है वो हमारे मतलब जमीन से बहुत ऊंचाई पे है, लगभग 1000 फीट ऊपर है। और वहाँ पे जाने के लिए रोप वे भी है और बाई रोड भी जा सकते हो और स्टेयर्स पे से भी आप जा सकते हो वहाँ पे। और इस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और सच में आगे बहुत अमेजिंग व्यू मिलने वाला है। तो चलिए फिर अपन देखते हैं आगे। यहाँ का व्यू तो एंजॉय कर ही रहे होगे, बहुत शानदार व्यू है यहाँ का। और अब हम डेस्टिनेशन के काफी पास आ गए हैं और यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर रह गया सलकनपुर मंदिर। तो फाइनली मैं सलकनपुर पहुंच चुका हूँ। तो ये मेन द्वार है सलकनपुर का, बट मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा आगे से जाऊंगा बाय रोड। तो मैं सलकनपुर पहुंच चुका हूं और जो मैंने आपको भी पहले दिखाया था ना, ये सलकनपुर का मेन गेट है। और उसके 50 मीटर आगे जैसे ही अपन चलेंगे तो रोपवे का रास्ता है और उससे 1 किलोमीटर दूर ये बाय रोड जाने का रास्ता है, जो कि सीधे टेंपल तक जाता है। तो अब मैं आ गया हूँ टेंपल के रोडवे पे और यहाँ पे 10 रुपये चार्ज लगता है एंट्रेंस का। और एक अपडेट और देना चाहूँगा मैं कि नवरात्रि में ये रास्ता बंद कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश रहता है, इसलिए स्टेयर्स का और ट्रॉली ही चालू रहती हैं। और अगर कोई भी यहाँ आना चाहता है तो प्लीज़ वो सुबह ही आए। से 30-35 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना होता है, तो पहले हम प्रसाद ले लेते हैं, उसके बाद ऊपर चलते हैं। तो अब मैं ये मंदिर के कॉरिडोर में आ चुका हूं और सामने जो आपको दिख रहा है ये मंदिर है, उसके सामने ये ओपन एरिया है जहां पे लोग खाना खाते हैं, पिकनिक मनाते हैं और जनरली लोग दर्शन करने के बाद बाहर बैठना थोड़ा पसंद करते हैं। और ये सामने जो आपको लाइन दिख रही है ये बहुत लंबी लाइन है दर्शन करने के लिए, ये नवरात्रि के बिना लाइन है। तो आप सोच सकते हैं कि नवरात्रि के टाइम पे कितनी भीड़ रहती होगी।
हमने मेन मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और अब इसके बगल में एक और मंदिर है जिसका नाम है देवालय। वहाँ पे छोटे छोटे कुछ मंदिर हैं, अब हम उसके दर्शन करेंगे और यहाँ का व्यू भी बहुत शानदार लग रहा है ऊपर से। बेल आइकन जरूर दबाओ जिससे कि न्यू ब्लॉग आपको जल्दी मिल सके। बाय बाय।